हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते दिनों से एक के बाद एक नेताओं के दरवाजे पर दुहाई दे रहे 69,000 वाले शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा अब देश की बड़ी अदालत की दहलीज तक जा ही पहुंचा, यानी सभी पक्षों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। चार साल से हमने संघर्ष कर रहे हैं, चार साल से आश्वासन मिल रहा है, अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है लेकिन उसको माना नहीं जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि माननीय मुखिया या हमारे क्या कहते हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी है, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हो गए हैं? क्या न्यायालय से आप बड़े हो गए हैं जो उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का जब से आदेश आया है तब से एक वर्ग लगातार नेताओं का, मंत्रियों का आवाज घेर रहा है और उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन कम से कम उस पूरे वर्ग में एक भी कोई नेता ऐसा नहीं मिल रहा है जो ये कह सके कि चयनितों के साथ भी न्याय होगा। सिर्फ एक लाइन का वक्तव्य आज तक आया है, उसके अलावा हम चयनितों के पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं, लेकिन सबको एक वर्ग से लगाव है। दरअसल हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बीते दिनों इस भर्ती की चयन सूचियों को रद्द कर नियमों के तहत 3 महीने में नई लिस्ट बनाकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से दावा किया गया कि इस मामले में कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संग्राम में ये मामला अब लटकता दिखाई दे रहा है। आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी तो पहले दिन से ही इसे लटकाने की आशंका जताकर केशव मौर्य से लेकर अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और संजय निषाद से गुहार लगा रहे हैं। पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है, और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण वाले अभ्यर्थी इसे जल्द से जल्द अमल में लाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो इस फैसले की चपेट में आकर नौकरी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर चयनित वर्ग के शिक्षकों ने जहां सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, तो वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी कैविएट दाखिल की थी, यानी अब लड़ाई हाईकोर्ट और सरकार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में होगी। विपक्ष भी सरकार पर इस मामले को लटकाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर राजनीति के आरोप लगा रही है। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। बहरहाल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के संग्राम में जिसका डर था अब वही होता दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आंगन में ये लड़ाई इतनी आसान तो नहीं होगी जितनी सरकार के जरिए हो सकती थी। ऐसे में सवाल यही है, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आर पार, क्या इसी का इंतजार कर रही थी सरकार?